नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनर राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस नई वीडियो के थ्रू आज आपको एक इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल कोशिश है मेरी कि इस छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। दोस्तों, टारगेट है सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल, 26 नवंबर लास्ट डेट है। दोस्तों, कोशिश पूरी है आप लोगों को जगाने की, पूरे देश भर से बहुत तेज़ी से फॉर्म भरे जा रहे हैं और मेरी कोशिश ये है कि ये वीडियो मेरी जो गांव-गांव तक जाए ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन प्रोग्राम्स का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दोस्तों, सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम डेट है वो 6 जनवरी को है और बहुत कम टाइम रह गया, तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले अपना फॉर्म भरवाएं। दोस्तों, 26 नवंबर लास्ट डेट है और आज ऑलरेडी 23 नवंबर हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा आप लेट कर रहे हैं, ये फॉर्म ऑफलाइन है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंड मोमेंट पर फॉर्म भरते हैं, उस टाइम सर्वर डाउन हो जाता है। 25 तारीख को 26 तारीख को ऑनलाइन फॉर्म भरना और मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि आज से ही प्रोसेस में लगा दें जिन लोगों ने नहीं लगाया है, और अगर किसी को भी किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो दोस्तों वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी फॉर्म कैसे भरना है। और इसमें मेनली आप 3 डॉक्यूमेंट रेडी करवा लें, एक अपने बच्चे का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, बच्चे का या पेरेंट्स का डोमिसाइल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, अगर आप SC ST हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये 2 डॉक्यूमेंट। और तीसरा है जन्म प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी एक्शन लें, अगर आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बच्चा है जो इस टाइम 5th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ रहा है, ये मेरी वीडियो उन लोगों को टारगेट कर रही है दोस्तों, ताकि फॉर्म भराएं जरूर, मौका ना छोड़े। हर स्टेट में सैनिक स्कूल्स आ चुके हैं, और जैसे हरियाणा में कुंजपुरा है, पंजाब में आपका कपूरथला है, हिमाचल में आपका सैनिक स्कूल सुजानपुर है, हर स्टेट में, जम्मू में आपका नगरोटा है, तो हर स्टेट में आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है दोस्तों। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने मत दे किसी भी कीमत पर। और इसमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों के लिए होता है। दोस्तों, ये सभी के लिए है, आर्मी वालों के लिए भी है, सिविलियंस के लिए भी है। इसका फ़ायदा उठाएं, इसकी तैयारी करवाएं, कोचिंग करवाएं, फॉर्म भरें, इसकी बुक्स जरूर लें। 1.5 महीना आपके पास पूरा रह गया है, 1 दिसंबर से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। सिर्फ 1 मंथ का फास्टेस्ट क्रैश कोर्स है जिसमें पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर वगैरह आपको कराए जाएंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर वगैरह आपको कराए जाएंगे, इसमें वर्कबुक वगैरह आपको कराई जाएगी। तो ये एक क्रैश कोर्स है जो डेली 8 घंटे की इसमें क्लास लगती है, 13 से 14 टीचर इसमें पढ़ाते हैं, जिसमें इंटरव्यू वगैरह हर चीज़ कराई जाती है। तो मैं आपके लिए कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचे ना, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस मत करें। 1 मंथ की सिर्फ बात है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की बात है। अगर आप अभी से रिस्क नहीं लेंगे तो दोस्तों आपका बच्चा आगे कैसे जाएगा? मुझे सिर्फ इस छोटे से सवाल का जवाब दे दिए, आपको आगे बढ़ना है और अभी से ही अपने बच्चे के अंदर और अपने अंदर एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। और अगर आप एक बार अभी से ही फॉर्म भरवाएंगे, पेपर दिलवाएंगे, तो दोस्तों आपके बच्चे को ना बहुत कुछ पता लगेगा कि उस टाइम पे कंपटीशन कितना होता है, उस टाइम प्रेशर कितना होता है। बच्चा अभी से लर्न करेगा, अभी बच्चा सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है और जो 9th क्लास के लिए फॉर्म भरते हैं वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 12-13 साल के होते हैं, तो उनके अंदर 13-14 साल के होते हैं, तो उनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट डेवलप होएगी। और हमें अभी से इसी चीज़ पे फोकस करना है कि बच्चों को तैयार करना है, एक हेल्दी कंपटीशन अवेलेबल करवाना है, एक हेल्दी कंपटीशन में बच्चे को बिठाना है ताकि उनको पता लगे। हमारे इंडिया में दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं उसको कंपटीशन कभी भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि तैयारी करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, सबका फोकस सिर्फ फॉर्म भरने पर ही होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। फॉर्म तो ऐसे सरकारी फॉर्म पता नहीं कितने निकलेंगे और गवर्नमेंट का खजाना जो है इन फॉर्म भरने से बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पे होना चाहिए, अपने बच्चे को बिल्डअप करने पे होना चाहिए, उसको तैयार करने पे होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने पे होना चाहिए। हो सकता है कल को बच्चा आगे चल के 12th के बाद डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर ना बनना चाहे, वो कुछ और फील्ड चूज़ करना चाहे, इसमें कोई गलत तो नहीं है, वो जो मर्जी करे उसकी लाइफ है। बट आपका और मेरा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको तैयार करना, उसको मेंटली बिल्डअप करना, उसको फिजिकली बिल्डअप करना, उसको तैयार करना। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लगा के बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि आपको यही करना है, आपको ऑफिसर ही बनना है। दोस्तों, अभी बच्चा छोटा है, अभी तो आप उसके ऊपर अपनी बातें थोप दे रहे हो, लेकिन कल को बच्चा बड़ा होगा, उसकी अपनी मेंटालिटी ग्रो करेगी, उसकी अपनी सोच होएगी, उसकी अपनी समझ होएगी, जिसके साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उसको गाइड करना है,
आपको सिर्फ उसको सही रास्ता दिखाना है, उसके बाद क्या सही और क्या गलत है वो खुद ही चूज करेगा। लेकिन उस लेवल पे बिल्डअप करने के लिए आपको इस तरह के स्कूल्स में डालना पड़ेगा जहाँ पे बच्चों पे रेगुलर ध्यान दिया जाता है, रेगुलर ट्रेनिंग बिल्डअप की जाती है। दोस्तों मैंने आसपास के बहुत सारे छोटे मोटे स्कूल्स कवर किए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल से भी मैं मिला हूँ, तो मैंने देखा है लोगों की सोच दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटी है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी ऐसा कहते हैं कि हम अपना बच्चा वहाँ पर क्यों जाने दें। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और इंस्टीट्यूट चलाते चलाते मेरी सोच ये है कि अगर मेरे यहाँ से अगर 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो अगले साल मेरे यहाँ 500 बच्चा आता है। लेकिन एक स्कूल में जहाँ पे 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ का प्रिंसिपल ये कहता है कि जी मैं अपने एक बच्चे को भी यहाँ से क्यों जाने दूँ, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, RIMC में, या कहीं पर भी क्यों जाने दूँ। तो सोच क्या है, ये जो सोच है दोस्तों ये टेम्परेरी सोच है। और मैं कहता हूँ कि अगर ऐसे बच्चे निकलते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो इसमें स्कूल्स का कितना नाम होता है, उसमें उस घर परिवार का कितना नाम होता है। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी स्कूल से, अगर मैं कह रहा हूँ 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो अगले साल 10,000 एडमिशनें वहाँ पे होंगी। मेरा तो एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, तो मैंने यही नोटिस किया है कि अगर मेरे यहाँ से अगर हर साल मैं कह रहा हूँ अगर 20-30 बच्चे भी निकलते हैं तो अगले साल 500-600 बच्चा आता है कोचिंग करवाने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से, पूरे देश भर से दोस्तों। और जो मेरी वीडियो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यूट्यूब की तरफ से मुझे एक अवार्ड भी मिला इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। मेरी सबसे ज़्यादा वीडियोस हैं, सबसे ज़्यादा वीडियो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरी वीडियोस देखी जाती हैं सैनिक स्कूल के ऊपर, मिलिट्री स्कूल के ऊपर। और मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना है, गाँव तक जाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस गांव-गांव तक जाएं और इस वीडियो में, इस मुहिम में मेरे मदद कीजिए ताकि ये मेरी वीडियो गांव-गांव तक जाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है दोस्तों, लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पता नहीं है और ये जो सरकारी स्कूल्स हैं इनका फ़ायदा हमारे लोगों को मिलना चाहिए। और उसके बाद मैं एक छोटी सी चीज़ और आपको अनाउंस कर दूँ दोस्तों, 25 नवंबर को यानी जो अभी संडे आ रहा है, हमारा अम्बाला कैंट में बहुत ज़बरदस्त हाई मोटिवेटेड सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं दोस्तों, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं सेमिनार को अटेंड करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो सेमिनार है दोस्तों ये सैनिक स्कूल के ऊपर है, मिलिट्री स्कूल्स के ऊपर है, गुरुकुल्स के ऊपर है, RIMC देहरादून के ऊपर है। ये जो सेमिनार है जिसमें हम लोग अभी से आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, आपको हेल्प करेंगे कि छोटी एज से बच्चे को कैसे तैयार किया जाए। पहले बच्चे की जो एजुकेशन स्टार्ट होती थी वो 12वीं के बाद होती थी दोस्तों, जब बच्चा 18 साल का हो जाता था उसके बाद लोग डिसाइड करते थे, 15 साल का उसके बाद डिसाइड करते थे कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। दोस्तों अब ज़माना चेंज हो चुका है, अब आप 21वीं शताब्दी में घुस चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे ही बच्चा 8 साल का, 7 साल का हो गया है, आपको प्लान आउट करना पड़ेगा, आपको हमसे मिलना पड़ेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों को किस तरीके से काउंसलिंग किया जाए, किस तरीके से मोटिवेट किया जाए और बच्चा आगे किस तरीके से कहाँ पे आगे निकल सकता है, उसकी फील्ड क्या है। और बच्चे को अभी से ही टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, आगे के सिस्टम्स के बारे में बताना पड़ेगा। और ये पूरा सेमिनार पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपनी सीट रजिस्टर करें, वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, पता करें कि सेमिनार का क्या सिस्टम है। संडे को सवेरे 11 बजे से लेकर दोपहर को करीब 3 बजे तक ये सेमिनार चलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपनी सीट्स एनरोल कराएं। और इसके अलावा सेमिनार में आप उससे डायरेक्टली मिल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। और मैं आपके बच्चे से भी मिलूंगा कि उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है। तो ये पूरा सेमिनार, इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, अपनी सीट बुक कराने में कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरी जो वेबसाइट है www.careerinfovizinstitute.in। और इसके अलावा मेरी एंड्रॉयड ऐप आ चुकी है करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट के नाम से। अगर आप हर रोज़ मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मेरी एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट, जैसे व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन आ जाती हैं वैसे ही आपको मेरे एप्लीकेशन से आपको डेली, आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको मेरी ऐप के थ्रू ही सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। इस मुहिम में मेरी मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।